आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में बदलने जा रहा है एसीआर लिखने का नियम। अब अधिकारियों के कामकाज को आंकेगी सरकार। अगर समय पर काम नहीं निपटाया तो एसीआर गुलाबी नहीं बल्कि होगी रेड एंट्री। उत्तराखंड में अधिकारियों की एसीआर यानी सालाना गोपनीय रिपोर्ट लिखने का नियम बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों का कामकाज सुधारने के लिए एसीआर लिखने के नियम बदलने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू को कहा है कि अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन करने के बाद ही उनकी एसीआर लिखी जाए। बेलगाम अफसरशाही के नाम से बदनाम उत्तराखंड में इसे सीएम का बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब राज्य में अधिकारियों की एसीआर कैसे लिखी जाएगी। अब तक अधिकारियों की सालाना गोपनीय रिपोर्ट महज खानापूर्ति ही रही है। कोई बड़ा भ्रष्टाचार या कानूनी पचड़ा ना हो तो लगभग सभी अधिकारियों की एसीआर गुलाबी ही रहती है। जाहिर है एसीआर में कोई रेड एंट्री नहीं है तो अधिकारी को प्रमोशन आदि में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो एसीआर लिखी जाएगी उसमें संबंधित अधिकारी के कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा। उस अधिकारी के एक साल के कामकाज का परीक्षण होगा। ये देखा जाएगा कि संबंधित अधिकारी को कितने काम दिए गए और उनमें से उसने कितने पूरे किए। अति महत्वपूर्ण और जन सरोकारों से जुड़े कार्यों में अधिकारी का रवैया क्या रहा और उसने कितने समय में ऐसे काम पूरे किए। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए उस अधिकारी की एसीआर लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।